कहानी है नहीं कुछ भी, कहानी है नहीं कुछ भी, हकीकत है सभी कुछ ही। कहानी है नहीं कुछ भी, हकीकत है सभी कुछ ही। जो चाहेगा हृदय से उसको दर्शन सुबह शाम हो जाए। वैसे तो सामान्य तौर पर बजरंगबली के 108 नाम बताए गए, लेकिन जिन 12 प्रमुख नामों की चर्चा होती है, अब हम उन 12 नामों के विषय में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बजरंगबली का नाम हनुमान है, हनुमत, तो इसके पीछे की क्या कथा है पंडित भैया? देखिए, हनुमान नाम, इनका प्रथम जो नाम था मारुति था, जो नामकरण हुआ है मारुति नंदन, है ना। फिर हनुमान नाम इनका तब पड़ा जब इन्होंने सूर्य को ग्रसा और इंद्र के द्वारा इनके मुख पर वज्रपात हुआ। हनु मतलब होता ठोड़ी, ठोड़ी में लगा उनका वज्र और ठोड़ी उनकी थोड़ी तिरछी हो गई और वहीं पे विमूर्छित हो गए। फिर सब देवताओं ने इकट्ठे हुए, यज्ञ कर दिया आपने, पर उनको होश में लाते हैं और सभी देवता वरदान देते हैं कि हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे नाम से जो अस्त्र शस्त्र चलते हैं, ये आपके लिए सब निष्प्रभावी रहेंगे और आज से आपका नाम हनुमान, हनुमान। बजरंग बली इनको कहा जाता है, जो बाद में बजरंग बली के रूप में परिवर्तित हुआ। तो बजरंग बली के पीछे, बजरंग बली इसलिए इनका जो देह है, वरदान में इनको वज्र देह है, मिसालाब देहम, स्वर्ण सैलाब देहम भी बोलते हैं। तो इनकी देह इतनी वज्र हो गई कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का वज्रघात नहीं किया जा सकता था। इंद्र का वज्र भी इनके ऊपर प्रभावहीन हो जाता था। ना कोई अस्त्र शस्त्र उनको जो है शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं। तो महावज्र है वो, और जिसका महावज्र शरीर है वो बजरंग है, बजरंग है, वज्र से भी बली है वो, बली बल से ओत प्रोत, तो बजरंग बली है। बजरंग बली जो थोड़ो दुश्मन की नली है, तो जब किसी को डर लगता है तो यही बोलता है कि थोड़ो दुश्मन की नली। अभी हम बजरंग बली को पाते हैं तो यह हमेशा भगवा सिंदूर से सिंदूर के रंगों में रंगे हुए नजर आते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है? पहली कथा तो जब हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था तो इनको कहते हैं लाल देह लाली लसे, वैसे भी लाल थे भाई। हनुमान जी महाराज जो है माता सीता और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वो उनके पीछे छाए जैसे, कब हमारी सेवा की जरूरत पड़ जाए, हम तत्पर हैं बिल्कुल उनकी सेवा में। तो भगवती सीता एक बार श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार अंगार होने के बाद आखिरी में वो बेहतरीन जो है मांग भर रही थी सिंदूर से, अबे भूले हैं जैसे आपने बताया पिंगलाक्ष, अब भूले हैं। तो हमने पूछा माता जी जी का लगा रही हूँ, तो माता बोली बेटा ये प्रभु के नाम का सिंदूर है, बोले इसको इसलिए लगाते हैं कि वो जो है दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, उनकी मंगल कामना के लिए हम लगा रहे हैं। अच्छा, तो हमें पहले का ही नहीं बताई। अरे बेटा जब तुम पूछो तभी तो बता है हम। तो ने ठीक है, उनने कहा जरा सी लाइन लगावे से वो भगवान को इतनो दीर्घायु महामंगल स्वस्थ सब प्रकार से प्रभु को लाभ हो रहा हो तो हम तो पूरे शरीर में लगा ले हैं, तो देखो कितना बड़ा लाभ हुई है, कितना बड़ा मंगल होगा। तो अपने पूरे शरीर में लगा लिए, सबने देखे नाटक उनका। अन्य जी कहा है हनुमान जी दरबार पहुंच गए, बोले हनुमान जी कहा लाल लाल पोत के आ गए सिंदूर पोत के। तो बोले बड़े भोले पंत बोले प्रभु माता लगा रही थी, तो हमने पूछी तुम्हारा जो कहा लगा रही हो, तो हमने जब इतनी सी लाइन लगाए में प्रभु के तो लाभ हुई है, तो हम पूरे शरीर में पोत ले हैं तो फिर तो और ज्यादा हुई है, इसे हमने लगा लो। भगवान सब लोग तो पहुंचक्का हो गए, भगवान समझ गए उनकी भावना, भगवान भक्ति की भावना समझा, तो बोले धन्य हो हनुमान, बोले तुम्हारी भक्ति आगे तो हम भी नतमस्तक है। और हमेशा इनके पीछे लाल लगता है, बजरंग लाल, हनुमत लाल। लाल इसलिए क्योंकि
ये राम जी के भी लाल हैं और इनको केसरिया कलर ज़्यादा पसंद है क्योंकि केसरी नंदन है इसलिए इनके साथ केसरिया और लाल कलर जुड़ा हुआ है। पिंगाक्ष कहा जाता है इनको, पिंगाक्ष नेत्रों की वजह से, भूरे नेत्र होने की वजह से इनको पिंगाक्ष कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इनको दशग्रीव दरवाह कहा जाता है, इसके पीछे का क्या? दशग्रीव जब युद्ध करने आया भगवान से, हाँ, तब जो है ने जो हुंकार भर को एक ठूसा मारा तो वहां मूर्छित हो गया था वो रावण। दशानंद दशग्रीव जो है मूर्छित होकर अपने रथ में गिर पड़ा था और उसने उसको समझ में आ गया कि ये जिसने मारा है ये कोई साधारण वानर, उस दिन समझ में आता उसको। और पिंगलाक्ष जो है इसलिए भोले हैं, भोले के सायुज आके भोली अपने आराध्य के सामने भोले हैं, तब तो उनके आराध्य की राम माता श्री भगवान श्री राम और माता सीता की शक्ति उनके साथ चलती है। इसके अतिरिक्त इनको फल्गुन सखा भी कहते हैं, फल्गुन श्री अर्जुन का एक नाम है, पार्थ का एक नाम है, उसके पीछे की। अर्जुन को अहंकार हो गया था अपने तीरंदाजी पर, तो भगवान ने ही अर्जुन का जो अभिमान हो गया था उसको भंग करने के लिए हनुमान जी महाराज को उनके पास भेजा और अर्जुन कुछ पुष्प वगैरह लेने गए थे, कमल वगैरह लेने गए थे पूजन के लिए, बीच में मिल गए हनुमान जी, तो हनुमान जी ने उनको रोका कि आप ऐसे नहीं जा सकते, पूंछ अपनी बढ़ा दी, बोले आप उत्साहित थे, अब अर्जुन कहाँ मानने वाली, वो तो अभिमान से भरपूर थे, बोले तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, मेरे जैसा धनुर्धर संसार में नहीं है, बोले राम भी मेरे सामने धनुर्विद्या में फैले हैं, बस ये कहना हुआ कि इनका क्रोध, बोले कैसे धनुर्धर, कहने राम जी ने तो बाणों को इकट्ठा करके पुल बनवाया था, हम तो अपने बाणों से पुल बना सकते हैं, बोले तुम्हारे बनाए हुए बाणों के पुल को मेरा जैसा तुच्छ बानर एक पैर में धराशाही कर सकता था, हमसे भी बलशाली वहाँ बानर थे और ऐसे ऐसे राक्षस थे ऊपर से आकर के चट्टान फेंकते तो तुम्हारी पुल धराशाही हो जाता, बोले कोई नहीं कर सकता, तुम करके दिखा सकते हो। तो दोनों में ऐसी स्पर्धा हो गई, अर्जुन ने बाणों के द्वारा पुल तैयार किया, हनुमान जी महाराज ने उसको एक मिनट में तोड़ दिया, एक छलांग मारी और उसके ऊपर कूने हैं, पुल तुरंत टूट गया। तो अर्जुन के बोले कि अब प्रतिज्ञा अनुसार मुझे जीने का अधिकार नहीं, मैं अपने आप को, तब भगवान आए और उन्होंने उसका समाधान किया, क्योंकि सबकी चाबी तो भगवान श्री कृष्ण के पास है ना, तो अर्जुन को समझाया सारी बात, तब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि नहीं राम जी भी कोई धनुर्धर थे, चाहे थे तो राम जी एक बाण में बना सकते थे, लेकिन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, उन्होंने कभी अपने साथ माया को लेके नहीं चले, हो भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं, हाँ, और जो लोग उनकी भक्तों की पूजा करते हैं भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, आप भगवान को कहते हो लपड़े आओ चपट जाओ मोहन भोग खिला दो जी, वे नहीं उनके तो भक्तों को जब बेतरप्त हुए तो बेतरप्त होते हैं, ये है अर्जुन सखा, इसलिए है वो कि अर्जुन के रथ में ध्वज के रूप में ध्वज के साथ वो विराजमान थे पूरे युद्ध में, इसलिए उनको अर्जुन सखा